अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बरबरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बरबरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बरबरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अधिक नहीं हो सकते थे। वीर बरबरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बरबरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बरबरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बरबरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बरबरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था, इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बरबरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बरबरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। अतः ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने वीर बरबरीक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। बरबरीक ने उन्हें वचन दिया और दान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने उनसे शीश का दान मांगा। वीर बरबरीक क्षण भर के लिए अचंभित हुए, परंतु अपने वचन से अधिक नहीं हो सकते थे। वीर बरबरीक बोले, एक साधारण ब्राह्मण इस तरह का दान नहीं मांग सकता है। अतः ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप से अवगत कराने की प्रार्थना की। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण ने बरबरीक को शीश दान मांगने का कारण समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है, इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश थे। बरबरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बरबरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि से अलंकृत किया। उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बरबरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। फाल्गुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया था, इस प्रकार वे शीश के दानी कहलाए। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी विवाद होने लगा कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। श्री कृष्ण ने उनसे कहा, बरबरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतएव उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए और पहाड़ी की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर बरबरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ही युद्ध में विजय प्राप्त कराने में सबसे महान पात्र हैं। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, युद्ध नीति ही निर्णायक थी। उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को काट रहा था। महाकाली कृष्ण के आदेश पर शत्रु सेना के रक्त से भरे प्यालों का सेवन कर रही थी। श्री कृष्ण वीर बरबरीक के महान बलिदान से काफी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से जाने जाओगे, क्योंकि उस युग में हारे हुए का साथ देने वाला ही श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। उनका शीश खाटू नगर, वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर जिला में दफनाया गया, इसलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा स्वतः ही बहा रही थी। बाद में खुदाई के बाद वह शीश प्रकट हुआ, जिसे कुछ दिनों के लिए एक ब्राह्मण को सुपुर्द कर दिया गया। एक बार खाटू नगर के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण के लिए और वह शीश मंदिर में सुशोभित करने के लिए प्रेरित किया गया। तदंतर उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया गया और कार्तिक माह की एकादशी को शीश मंदिर में सुशोभित किया गया,
जिसे बाबा श्याम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मूल मंदिर 1027 में रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर द्वारा बनाया गया था। मारवाड़ के शासक ठाकुर के दीवान अभय सिंह ने ठाकुर के निर्देश पर 1720 में मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर इस समय अपने वर्तमान आकार ले लिया और मूर्ति गर्भगृह में प्रतिस्थापित किया गया था। मूर्ति दुर्लभ पत्थर से बना है। खाटू श्याम परिवारों की एक बड़ी संख्या के कुल देवता है।